आप सबको हमारा नमस्कार। हमारे आज की वीडियो गेहूं के ज्वारे यानी व्हीट ग्रास के बारे में है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। गेहूं के ज्वारे व्हीट ग्रास कुदरती अमृत प्रकृति की मानव के लिए अनमोल परम भेंट। मानव शरीर के लिए गेहूं के ज्वारे का रस इतना उपयोगी होने की वजह से इसे ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनसे बेहतर और कोई उपाय नहीं। गेहूं के ज्वारे से 300 से 350 से भी ज़्यादा साध्य असाध्य रोग ठीक होते हैं। गेहूं के ज्वारे का रस सबसे ज़्यादा रोग प्रतिकारक और पावरफुल टॉनिक है। गेहूं के ज्वारे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन और विटामिन एवं क्षार की मात्रा पूरी होती है। इनसे कैंसर, मानसिक कमजोरी, थकान, बालों का अकाल गिरना, आँखों की कमजोरी या दृष्टि की कमी, हार्ट प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, जॉन्डिस, दांतों का दर्द और पायोरिया, गैस, अपचा, स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा की जलन या जली हुई त्वचा के लिए, जख्म भरने के लिए, पेट के दर्द के लिए या पेट की चूक के लिए, डायबिटीज और ऐसे कई रोगों में ये लाभदायी है। आइए अब जानते हैं गेहूं के ज्वारे कैसे लगाते हैं। पहले गेहूं के दाने को 4 या 5 घंटे पानी में भिगोकर रखें, फिर उसे पानी में से निकालकर एक कपड़ा की थैली या पोटली में 12 घंटे तक पड़ा रहने दें। यह कपड़ा भीगा होना चाहिए। इसके बाद उसे निकाल लें और एक गमले में इसके बाद उन गेहूं के दानों को निकाल लें और एक गमला में देसी खाद वाली मिट्टी डालें, उसके ऊपर पानी डालें यानी उसे पानी से भिगो दें और उसके ऊपर जो हमने गेहूं के दाने तैयार किए हैं उसे एक एक करके अलग अलग बिछा दे। इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाले, मिट्टी के ऊपर गीला कपड़ा ढक दे ताकि कोई जीव जंतु उसे खा ना सके। 3-4 दिन के बाद गेहूं के ज्वारे के अंकुर निकले होंगे। इसी तरह हर दिन नए गमले में यह प्रोसेस करें। आप 9 दिन तक नए गमले में इसी प्रोसेस से गेहूं के दाने लगाइए। जब आप 9वां या 10वें दिन गेहूं के ज्वारे लगाओगे तो पहले दिन जो हमने गेहूं के ज्वारे जिस गमले में लगाया था उस गमले में से गेहूं के ज्वारे कटाई के लिए तैयार हो चुके होंगे। इनमें लगभग 6 या 7 इंच की हाइट का ये तैयार हो चुका होगा। हमें 6-7 इंच की हाइट का ही गेहूं के ज्वारे चाहिए। अगर हाइट इनसे ज़्यादा होगी तो इसमें इतने तत्व नहीं रहते, इसीलिए हमें 6 या 7 इंच की हाइट का गेहूं के ज्वारे तैयार करने का है। अब इसकी कटाई करके इसका रस निकालें, फिर सेवन करें। शीत प्रकृति वाले तुलसी या अदरक या शहद मिलाकर का सेवन करें। आप सेवन कितनी मात्रा में करें अब 1 चम्मच से लेकर 1 कप तक पी सकते हैं। सिर्फ इतनी सावधानी बरते नींबू या नमक का इस्तेमाल नहीं करने का है। नियमित इसी तरह सेवन करते रहे और सेहतमंद रहे, यही शुभकामना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।